दोस्तों, मैं हूँ सुषमा और आज हम बात करेंगे बाजरे से होने वाले फायदों के बारे में। भारत में कई तरह की फसलें उगाई जाती हैं, जिसमें से एक है बाजरा। इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए इसे ज्यादातर सर्दियों में खाया जाता है। बाजरे में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इससे ना केवल हम हेल्दी बनते हैं बल्कि हमारा दिमाग भी तेज रहता है। तो चलिए जानते हैं इसके और फायदों के बारे में। बाजरे में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, जिसकी वजह से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। बाजरे की रोटी खाने से लीवर में किसी तरह का कोई रोग नहीं होता। अगर लीवर में कोई प्रॉब्लम है तो आपको बाजरे की रोटी खानी चाहिए, इससे लीवर की प्रॉब्लम कम हो जाती है। बाजरे की रोटी खाने से हमें एनर्जी मिलती है, क्योंकि ये एनर्जी का एक अच्छा सोर्स है। इसमें गेहूं और चावल के मुकाबले ज्यादा एनर्जी होती है। बाजरे में आयरन की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए इसके सेवन से अनीमिया जैसी बीमारी से बचा जा सकता है। बाजरे की रोटी प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए काफी फायदेमंद होती है। इसमें अधिक मात्रा में कैल्शियम होता है। अगर आप कैल्शियम की गोली की बजाय बाजरे की दो रोटियां खाते हैं तो ये आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। इतना ही नहीं, जो महिलाएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनके लिए बाजरे की रोटी टॉनिक का काम करता है। बाजरा आसानी से पच जाता है। इसका सेवन करने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहता है, साथ ही ये हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल में रखता है, जिससे डायबिटीज का खतरा कम होता है। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट की प्रॉब्लम है, उन्हें बाजरे का सेवन जरूर करना चाहिए। बाजरे का सेवन करने से हम कैंसर जैसी घातक बीमारी से बच सकते हैं। जो लोग अपने मोटापे से परेशान हैं, उन्हें बाजरे की रोटी जरूर खानी चाहिए, क्योंकि इसका सेवन करने से हमें काफी देर तक भूख नहीं लगती, जिसके कारण हम अपने वजन को कंट्रोल में कर सकते हैं। बाजरा माइग्रेन की बीमारी में भी आराम दिलाता है। ये एंजाइटी, डिप्रेशन और नींद न आने जैसी समस्याओं को भी दूर करता है। इसमें लेसेथीन और मेथाइनिन नामक एमिनो एसिड होते हैं, जो एक्स्ट्रा फैट को खत्म करके कोलेस्ट्रॉल को कम कर देते हैं। इसी के साथ बाजरे के फायदों पे बना हमारा ये स्पेशल वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इसी तरह के और देसी नुस्खे जानने के लिए हमारे चैनल इमाम दस्ता को अभी सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूले। इमाम दस्ता चैनल का मकसद है बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर भगाना और छोटी से छोटी बीमारी को पास ना आने देना। थैंक यू।